चलिए बात करते हैं कृषि कानून को लेकर के। कृषि कानून पर आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल सकते हैं। धन्यवाद प्रस्ताव पर पीएम मोदी आज जवाब दे सकते हैं। किसानों से जुड़े हर मुद्दे पर जवाब दे सकते हैं पीएम मोदी, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार सदन में विपक्ष का हंगामा जारी है किसानों के मसले को लेकर, और आज धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना जवाब दे सकते हैं पीएम मोदी। तो देखिए, सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में संबोधन कर सकते हैं। बीजेपी कांग्रेस ने सांसदों के लिए व्हिप भी जारी किया है, कहा है अपने अपने नेताओं से कि मौजूद रहे सदन में। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि कृषि कानून को लेकर विपक्षी पार्टियां किसानों को बहकाने, बरगलाने और उन्हें भ्रमित करने का काम कर रही है। और आइए सुनते हैं कि पीएम मोदी ने विपक्ष पर क्या क्या कहा। आजकल दिल्ली के आसपास किसानों को भ्रमित करने की बड़ी साजिश चल रही है। उन्हें डराया जा रहा है कि नए कृषि सुधारों के बाद किसानों की जमीन पर दूसरे कब्जा कर लेंगे। आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे। मैं अपने किसान भाई बहनों से फिर एक बार कह रहा हूं, बार बार दोहराता हूं कि उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। देखिए, पीएम मोदी कई बार कह चुके हैं कि सरकार की नीति और नियत दोनों ही किसानों के हित में है। कृषि कानून पर पीएम मोदी किस तरह से विपक्ष पर हमला बोलते हुए दिखाई दिए हैं, वो देखिए। आज भारत के किसानों के पास अपनी फसल मंडियों के साथ ही बाहर भी बेचने का विकल्प है। किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फसल खरीदने बेचने का भी विकल्प दिया है। जितना हम इन्वेस्ट करेंगे उतना ही हमारे देश के किसानों का फसलों का नुकसान कम होगा, उतनी ही उनकी आय बढ़ेगी। आज ग्रामीण क्षेत्र में एग्रो बेज इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा स्कोप है। इन सारे प्रयासों का लक्ष्य यही है कि किसानों की आय बढ़े, देश का किसान समृद्ध हो। जब देश का किसान समृद्ध होगा तो देश भी समृद्ध होगा। पहले की नीतियां जो भी रही हो, लेकिन आज की पॉलिसीज ग्रामीण कृषि आधारित अर्थव्यवस्था विकसित करने के लिए बहुत अनुकूल है। नीति से और नियत से सरकार पूरी तरह किसानों का हित करने के लिए प्रतिबद्ध है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, लाल किला कांड के आरोपी सुखदेव सिंह की आज पेशी होनी है दिल्ली के कोर्ट में। सुखदेव सिंह को पेश किया जाएगा। देखिए, चंडीगढ़ से दिल्ली पुलिस के एसआईटी ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने सुखदेव पर 50,000 का इनाम रखा था। लाल किले में हिंसा फैलाने में शामिल रहा है सुखदेव सिंह। सुखदेव सिंह जिसकी आज दिल्ली कोर्ट में पेशी होनी है, मास्टरमाइंड रहा है लाल किला पर जो हंगामा हुआ, जो तिरंगे का अपमान किया गया, उसी सिलसिले में ये बड़ी गिरफ्तारी की गई थी एसआईटी की तरफ से, और आज दिल्ली कोर्ट में इसे पेश किया जाएगा। और ये 3 तस्वीरें आप देखिए, गणतंत्र का गुनेगार सुखदेव, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है, 26 जनवरी को किस तरीके से तांडव मचाया था, और उसके बाद ये गिरफ्तारी बहुत जरूरी हो जाती है। इस शख्स पर 50,000 रुपए का इनाम भी रखा था। लाल किला हिंसा में मोस्ट वांटेड था सुखदेव सिंह। सुखदेव को पकड़ने में एसआईटी को भारी मशक्कत भी करनी पड़ी थी। 100 किलोमीटर तक पीछा कर सुखदेव को पकड़ा गया था एसआईटी की तरफ से। एसआईटी करनाल पहुंची तो सुखदेव वहां से भाग निकला था। करनाल से पीछा करते हुए चंडीगढ़ में सुखदेव को एसआईटी ने पकड़ लिया है। तो ये बड़ी गिरफ्तारी मानी जा रही है लाल किला हिंसाकांड में, और आज दिल्ली कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो देखिए, 100 किलोमीटर तक ये भागता रहा और उसके बाद एसआईटी की टीम ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। और देखिए, किसान आंदोलन में इंटरनेशनल साजिश पर क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री मोदी ने, वो भी आपको बताएंगे। देश को बदनाम करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश चल रही है, ये पीएम मोदी ने कहा। भारत को बदनाम करने की साजिश अब खुलने लगी है। भारत की छवि को बिगाड़ने की साजिश हो रही है। लगातार विदेशों से जो ट्वीट सामने आ रहे हैं, जो बयान सामने आए हैं, उन पर पीएम मोदी ने खुलकर अपनी बात रखी। अभी आपने न्यूज में देखा होगा,
इन दिनों भारत को बदनाम करने के लिए कैसे कैसे अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र सामने आ रहे हैं, कैसी कैसी साजिशें खुल रही है। अब तो इस बात की प्लानिंग की जा रही है कि कैसे भारत को बदनाम करना है, कैसे भारत की छवि को बिगाड़ना है। और इसी के साथ कुछ देर के लिए रुकना होगा, फौरन हाजिर होते हैं, बने रहिए जी हिंदुस्तान के साथ। और अब पारी है देखो जी हिंदुस्तान जीतो इनाम की। हमारा आज का सवाल है, भारत के किस प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी गुजरात। जवाब देने के लिए जी हिंदुस्तान ऐप डाउनलोड करिए, देखो जी हिंदुस्तान जीतो इनाम का बटन दबाइए, सही जवाब दीजिए और एलईडी टीवी जीतने का मौका पाइए। आप अपने जवाब हमें आज रात 12 बजे तक ही भेज सकते हैं। आज के विजेता का ऐलान कल रात 8 बजे वंदे मातरम शो में किया जाएगा।